हेलो व्यूअर्स, क्रिएटिविटी विद रीना चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने वीडियो में ये सुंदर सा कुशन कवर का डिजाइन बनाना बताऊंगी। इसका कुशन कवर बना सकते हैं, पिल्लो कवर भी बना सकते हैं, जो आप चाहें बना सकते हैं। तो चलिए अभी बनाना शुरू करते हैं। और डिजाइन बनाने के लिए हम सबसे पहले दो कलर के कपड़े लेंगे। कोई भी कलर का कपड़ा आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। अभी इन दोनों कपड़ों की हम कटिंग करेंगे। अब दोनों कपड़ों की मैंने कटिंग कर ली है। तो ये मैंने कपड़ा मेजरमेंट में लिया है, यहां से हमने 10 इंच लिया है और यहां से भी मैंने 10 इंच लिया है। तो हमने चारों ओर से 10-10 इंच लिया है, ये कपड़ा भी और ये कपड़ा भी। तो हमने दो ब्लॉक काटे हैं 10-10 इंच के, 10-10 इंच। अभी उसके बाद हम ये कपड़ा उठाएंगे और इसके ऊपर हम ऐसे सेट करेंगे। तो हमारा ये सीधी वाली साइड इधर होनी चाहिए अंदर को ऐसे। अभी ये कपड़ा हमारा सेट हो चुका है। अभी इस कपड़े की हम सिलाई करेंगे। तो यहां से यहां तक चारों ओर हम कपड़े की सिलाई करते हैं। अभी ये सिलाई हमारी लग चुकी है। अब सेंटर में हमारा, इसके बाद ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसको हम ऐसे लाइन लगाएंगे। अभी हमारी ये सेंटर में लाइनें लग गई हैं। अब इनकी हम कटिंग करेंगे। जैसे ये कोना है, इसको हम काट देंगे पूरा। अभी ये सेंटर से मैंने काट दिया है। अभी ये लाइन भी हम कट करेंगे पूरी। अभी हमारे ये सारे पीसेस कट हो चुके हैं। अब ये कपड़े को हम ऐसे खोलेंगे सारे को और आयरन करेंगे सिलाइयों पे, जिससे हमारी सिलाइयां अच्छे से बैठ जाएंगी। अब ये मैंने आयरन कर दी है। ये वाला कुशन अब हमें बनाना है, तो हमें हर सिलाई के बाद आयरन करनी पड़ेगी, जिससे हमारा डिजाइन अच्छे से आएगा। तो अभी हम ये हमारे जो कोने हैं, इनकी हम बराबर के कटिंग करेंगे। ये भी और ये भी, सभी कोनों की हम अब कटिंग करते हैं कोने की। अभी हमारे कोने, ये हमारे जो ब्लॉक्स हैं, एकदम रेडी हो चुके हैं। अभी हम इनको सेट करेंगे। जैसे हमारा ये एक लगा हुआ है, एक ब्लॉक्स है, यहाँ रेड है हमारा और यहाँ व्हाइट वाला है। तो इसके साइड में अभी ये रेड वाला आएगा, ये हमारा व्हाइट वाला आएगा। उसके बाद हम ये पीस ऐसे लगाएंगे और अगला पीस हम ऐसे लगाएंगे। तो हमारा डिजाइन कुछ इस तरह से दिखेगा। अभी हमारा डिजाइन ऐसे बन गया है। अभी हम इसकी सिलाई करेंगे। तो हम ये कपड़ा उठाएंगे और इसके ऊपर ऐसे रख के सिलाई के साथ सिलाई मिला के फिर यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। दूसरा भी पीस हम ऐसे ही सिलेंगे। अब दोनों पीसेस मैंने ये ज्वाइंट कर दिए हैं। अभी उसके बाद हम ये वाले पीसेस दोनों को उठाएंगे और ये वाली जो हमारी सिलाई है, एक सिलाई हमारी इधर जाएगी और एक इधर, और बराबर सिलाई रख के हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अब देखिए, यहाँ सेंटर में भी मैंने सिलाई लगा दी है। अभी हमारा डिजाइन कुछ इस तरह से दिख रहा है। अभी हम आयरन करेंगे। तो हमने ये लास्ट जो सिलाई लगाई है, इस सिलाई को हम ऐसे खोल के फिर आयरन करेंगे। तो अभी हम आयरन करते हैं। अभी हमारी सिलाई लग चुकी है, आयरन भी कर दी है। अभी हमारा इतना डिजाइन बन चुका है। अभी साइडों में हमारा ये थोड़ा थोड़ा कपड़ा हमारा बढ़ गया है, तो इसकी हम बराबर कटिंग करेंगे। तो अभी हम ये सारे कपड़े को साइडों में से बराबर कटिंग करते हैं। अभी हमारा ये कटिंग हो चुकी है। अभी हम अगला डिजाइन बनाएंगे। अभी जैसे हमारा इसका मेजरमेंट यहां तक 6 इंच है, तो यहां हम दो इंच लेंगे। तो दो इधर रहेगा, तो यहां हम 2 इंच लेंगे। तो तीनों पार्ट हम इक्वली लेंगे, तो यहां हमारा 2 इंच आएगा। इधर भी हमारा 2 इंच का निशान लगेगा। ऐसे ही इन कोनों पे भी हम 2-2 इंच का निशान लगाएंगे सभी पे। अभी ये निशान मैंने लगा दिए हैं 2-2 इंच के। तो हम अभी यहाँ पे एक लाइन लगा लेंगे, जो भी निशान लगाए हैं वहां पे हम लाइन लगा लेंगे।
अभी ये निशान मैंने लगा दिए हैं दो दो इंच के, यहां भी हमने लगा दिए हैं, तो अभी हम इन निशानों पे कटिंग करेंगे सभी की। ऐसे हम कटिंग करते हैं, अभी ये कटिंग मैंने कर दी है, अभी ये जो निशान है हमारा ये और ये दोनों की, अभी इनकी भी कटिंग करेंगे। अभी देखिए हमारे सारे ये कपड़ा कट के ऐसे टुकड़े टुकड़े हो गया है, अभी हम इसका डिजाइन बनाएंगे। अभी हम इस टुकड़े को ऐसे लगाएंगे और ये वाले को ऐसे लगा देंगे और इसको हम ऐसे लगाएंगे, ऐसे ही हम ऊपर वाला लगाएंगे। जैसे ये वाला हम ऐसे लगा देंगे और ये वाला हम ऐसे लगा देंगे और ये जो सेंटर का है ये हम इधर को और ये ऐसे कर देंगे, तो हमारा डिजाइन कुछ इस तरह से दिखेगा। अभी ये हमारा डिजाइन बन चुका है, अभी हम सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हम ये वाला पोर्शन ये वाला सिलेंगे और इसके साथ इसको सिलेंगे, तभी हम सिलाई लगाते हैं। अभी ये एक साइड की सिलाई हमारी लग चुकी है, अभी इसको भी हम ऐसे लगाएंगे, ये हम इसके साथ यहां सिलाई लगाएंगे और इसकी हम इसके साथ लगाएंगे, तो अभी हम सिलाई लगाते हैं। अब ये दोनों पीस मैंने ऐसे सिल दिए हैं, अभी इसको भी हम ऐसे सिलेंगे और इस ये पीस हम इसके साथ ज्वाइंट करते हैं। अभी हमारे ये तीनों पीस जुड़ चुके हैं, अभी हम आयरन करेंगे, उसके बाद हम ये सारे पीसेस जोड़ेंगे। अभी मैंने आयरन कर दी है, अभी देखिए हमारे पीसेस कुछ इस तरह से हैं, थोड़ा थोड़ा हमारा आगे पीछे है, तो इसको हम सीधा कर लेंगे कटिंग करके। तो अभी देखिए हमारी ये कटिंग हो चुकी है, साइड की एकदम बराबर कर दिया है, अभी हम स्टिचिंग करेंगे। तो ये पार्ट उठा के हम यहाँ पे ऐसे स्टिच करेंगे, तो जो हमारी ये स्टिचिंग लाइन है इसको हम बराबर रख के तभी स्टिचिंग लगाएंगे। तो अभी हम स्टिचिंग लगाते हैं, अभी ये स्टिचिंग मैंने इस साइड का सिलाई लगा दी है, अभी ये भी हम ऐसे ही लगाएंगे, एकदम सिलाइयों के साथ सिलाई मिलाते हुए सिलाई लगाते हैं। अब हमारी सारी सिलाइयां लग चुकी हैं और हमारा डिजाइन ऐसा बन चुका है, ये देखिए बैक में। अभी हम यहाँ पे प्रेस करेंगे, अभी मैंने आयरन कर दी है, देखिए हमारा डिजाइन कितना ही प्यारा लग रहा है। अभी हमारी ये जो थोड़ा आगे पीछे कपड़ा हो गया है इसे हम बराबर ट्रिम कर लेंगे। तो अभी हमारा डिजाइन रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स अभी जो हमने इस मेजरमेंट में हमने ये डिजाइन बनाया है, ये हमारा 10-10.5 इंच तक रेडी हुआ है, जितना हमने लिया है उतना ही रेडी हुआ है। तो अगर हमें बड़ा या छोटा बनाना है तो हम उसको, जैसे फर्स्ट में हमने मेजरमेंट लिया था 10x10 का, 11x11 का रख सकते हैं, 12x12 का रख सकते हैं, तो हमारा डिजाइन बढ़ता जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा कितना ही सुंदर कुशन कवर का डिजाइन बन चुका है, इसका हम कुशन कवर भी बना सकते हैं, पिल्लो कवर का भी डिजाइन बड़ा बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा डिजाइन बनके अभी रेडी हो चुका है, कितना ही प्यारा हमारा डिजाइन लग रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये पूरा कुशन कवर इसका बनाना है तो उसके मैंने पहले वीडियो बनाए हुए हैं, वो मैं आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी उसका, तो वहां से आप देख लें कि उसको जिप वाला भी मैंने बनाया है और बिना जिप वाला भी बनाया है, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।